साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। मुख्तसर हाल इमारत शालामार बाग ये है। गिर्दोनवा तमाम चार दीवारी पुख्ताकार, जिसपे छह बुर्जियां तमाम संगे सुर्ख से बनी हुई थी। अब आम दरामद जुनूब रोया बरसर सड़क। दादी के हाथ की बनी हुई है, देख अभी तक कैसी चमक रही है। अम्मा मैं जरा डेयरी फार्म तक जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं डेयरी फार्म जाने की, मुंशी खुद यहाँ आके हिसाब देगा। उसे तो बस तनख्वाह लेनी आती है या दूध पीता रहता है। अम्मा जाना तो मुझे पड़ेगा, मैंने सुना है चुंगी पे लड़ाई हुई है मुंशी जी की इंस्पेक्टर से। कोई नहीं जाना किसी ने, घर से बाहर कदम नहीं धरना किसी ने, शायद आप खुद आके संभालेगा सारा वक्त। कमाल है अम्मा, पहले मुझे तालीम दिलवाई, बेटे की तरह पाला, फिर शादाब मिल्क सप्लाई, शाबाश शाबाश मेरा जवान पुत्र क्या के थमा दी। ड्राइवर बीमार हुआ तो ट्रैक्टर चलवा लिया, ट्यूबवेल ठीक करवाने के लिए शहर भेज दिया, और अब तू चाहती है कि मैं कुंड निकाल के वोटी बन जाऊं। मासूम सी दुल्हन, अनजान सी कुड़ी। माइयों बैठने के बाद कोई तीतियाणी बाहर नहीं जाती, और तू डेयरी फार्म जा रही है। और ये दोहरी चाल मुझे सिखाई किसने अम्मा? दोहरी चाल मतलब के लिए शेरपुत्र और लोकलाज के लिए तीरानी। मेरे अंदर दो नाजों किसने पैदा किए? जो कुछ भी है चादर इधर रखते, 100 रस्में हैं, 100 शगन हैं, तूने इस वक्त घर से बाहर कदम नहीं रखना। अच्छा आखिरी बार, बस आखिरी बार जाने दे अम्मा, कसम ले ले मैं घंटे में आ जाऊंगी। ना जी ना, चौधरी सरफराज की मांग और शाला कोर्ट में फिरे। आखिरी बार अम्मा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती, हथकड़ी लगने से पहले, सारा कुछ तय होने से पहले मुझे एक बार उड़ लेने दे अपने परों से, अपने इख्तियार से, अपनी मर्जी से। अच्छा जा, पर रस्मों का ख्याल रख, बड़े डाडे हैं भाई जब्बार, तुझे क्या पता। हजरत देख लीजिए मिलावट ठीक है। वाह अब्दुल रहमान वाह, तुम माजून मरवारीद बिल्कुल उसी तरह बनाते हो जिस तरह हमारे अब्बू जी बनाया करते थे। शाबाश हजरत, इजाजत है? आओ आओ मंजूर मियां आओ। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। वालेकुम अस्सलाम। वो मलम तैयार होगी जेली पिंडे पे लगाने वाली। क्यों भाई अब्दुल रहमान? हाँ जी तैयार होगी। तो ला दो ना भाई। मंजूर मियां, चौधरी साहब से अर्ज करना कि ये दुरुस्त है कि मैं हकीम ज्यादा हूं, लेकिन मेरी सारी जिंदगी
तहसील इल्म की तरफ मरकूज रही है। मैं तो मियां वड्डा के मुतवल्ली का खोशाची हूं। कुछ नुस्खे याद हैं, इसलिए बतौर खिदमत बना देता हूं, लेकिन मैं खुद हकीम नहीं हूं, खोशाची हूं। हकीम ज्यादा हूं सिर्फ। लीजिए। लो भाई मंजूर मियां, रात के वक्त जली हुई जगह पर इस मरहम का लेप कर देना है और फिर उसको खुला छोड़ देना, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। अगर चौधरी साहब हुक्म करते तो मैं खुद हाजिर होकर इस मरहम का लेप कर देता। नहीं भीम साहब, इसकी लोड नहीं है। जो चौधरी साहब दुरुस्त समझे वही मुनासिब है। इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम जीते रहो। इजाजत है सरकार। आओ आओ मास्टर जी, आओ। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया सरकार। ये मैं मंजूर को बता रहा था मास्टर जी। जी सरकार जी। मैं हकीम ज्यादा जरूर हूँ, लेकिन मुझे छोटी उम्र में ही मियां वड्डा के सजादा नशीन हजरत आदिल शाह अपने हमरा ले गए थे। एक पुख्ता चौखंडी सी इमारत में रिहाइश थी, ऐसा दरख्त भूड़ का साया फिगन था जिसकी ओट में तमाम हुजरा नजरों से उजल रहता। बस बरसों वहां तहसील इल्म का सिलसिला जारी रहा। जी जी, खुश नसीबी है सरकार, खुश नसीबी है। खूब याद है मुझे, पास ही एक बेला था, चांद रातों में हजरत ने हमें वहां ले जाना। ऊपर घटता बढ़ता चांद, नीचे खुश्क रेत, हजरत की जबान से जो नुक्ता बयान होना असबर हो जाना। तस्किया नफ्स के लिए भी कई रियाजतें करवाई। हाँ, याद है मुझे, अब तक याद है। लोगों ने एक काम करना है,
कि ठीक 7:45 बजे शाम आपने इस दफ्तर में पहुंचना है। जी। और आपको मालूम है कि 1 बजे आपकी फ्लाइट है अमेरिका की। जी। और फ्लाइट से 3 घंटे पहले आप सबने एयरपोर्ट पहुंचना है हर सूरत। जी। सर मैंने बता दिया सब इनको। इफ्तिखार साहब ने जी हमें सारा शेड्यूल समझा दिया। एक बात का ख्याल रखना आपने, कोई आर्टिस्ट इत्तला दिए बगैर होटल से गायब नहीं हो सकता। हमें 20 दिन के लिए वर्ल्ड मेले में शरीक होना है, उसके बाद 4 दिन के लिए हम टोरंटो में एक रैली में शरीक होंगे। अच्छा इफ्तिखार साहब मुझे ये बताइए कि आपने सब आर्टिस्टों के ड्रेसेस ट्राई करवा के देख लिए थे? जी सर, कल रात को सब आर्टिस्टों के ड्रेस रिहर्सल हो चुकी हैं। गुड। आप सब एक बात अच्छी तरह समझ लें कि सारा मुल्क आर्टिस्टों से भरा पड़ा है और लोग इस मौके को तरसते हैं। जिसको एक दफा बाहर जाने का मौका मिल गया, ये समझ लें कि उसका मुस्तकबिल यकीनी हो गया। पर सर जी ऐसा क्यों है? ब्रूने मुल्क हमें तो कोई समझता नहीं, पर हमारे टोल पर यही तो बदनसीबी है। लेकिन यही हकीकत है कि एजुकेशन हो, फैशन हो, आर्ट हो, मीडिया हो, सर्टिफिकेट हमें गोरे से लेना पड़ता है। और जिसने गोरों को अपने काम से फैसिनेट कर लिया, ये समझे कि उसका मुस्तकबिल रोशन है। वो ठीक है सर जी, हम भी अपनी जान लड़ा देंगे। क्यों भाई जाओगे? हाँ बिल्कुल जाओगे। हाँ जी, यही स्पिरिट है, जान लड़ा देना, यही स्पिरिट है। और याद रखो, एक दफा अगर गोरे उठकर नाचने लगे फिर प्रेस ने तुम लोगों को उठा लेना है, फिर शोहरत ही शोहरत, इज्जत ही इज्जत, पाकिस्तान जिंदाबाद। वहां ये अहमकों की तरह नारेबाजी नहीं करनी है, बल्कि कल्चर्ड रिफाइंड लोगों की तरह आहिस्ता बोलना है, आहिस्ता चलना है, आहिस्ता खाना है। और हाँ, सब लोग अपने बाल बाल बना के शैंपू करके फिर आएंगे। बाबा यकूब के मल्लम से कुछ आराम आया तुझे? बेबे जलन नहीं होती, अब बस रात को दर्द होती है हल्की सी। बेबे रात मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा। हाय रब्बा खैर। बेबे मैंने देखा कूपन नेरा है, ऐसा नेरा जैसे रात हो पर रात नहीं है। बातों का बादल चारों तरफ चढ़ा है, दूर दूर कपाह की फसल तैयार खड़ी है, फिर मी शुरू हो जाता है बेबे, और मेरा घोड़ा मुझे बगैर सवार कराए सरपट हो जाता है बेबे। हाय मैं मर जावा, कैसा चंद्रा ख्वाब देखा है तूने? तू मेरे पास अंदर सोया कर, मां सदके जाए बाहर ना सोया कर। बेबे खड़ी फसल बैठने लगती है और कपाह के डोटे टूट टूट कर खिलरने लगते हैं बेबे, खड़ी खेतियां बैठ जाती हैं ऐसे बेबे जैसे जैसे किसी ने काट के रखी हुई हो। बड़ा मी बेबे, बड़ा लश्कारा, बड़ी तबाही बेबे। जीरे, जीरे, जल्दी आ, जीरे आ जा। अरे बीबी जी आ गया, बीबी जी पानी। हाय रब्बा खैर, जा जा, तू जा जल्दी से, जा इधर से। हाय रब्बा खैर, मेरे बच्चे की खैर। सत्य कह रहा हूँ तुझे, मेरे पुत्र को कुछ ना हो। यही मुश्किल है सरकार, सारी बात समझ में आती है
पता भी चलता है सरकार के क्या दुरुस्त है, लेकिन अमल नहीं हो पाता। एक हिजाब सा रहता है सरकार दरमियान में, और इल्म जब तक अपना अमल ना बना ले, बच्चों को उसकी तालीम देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बच्चे तो बड़ों के अमल से जाँचते हैं सब कुछ, और सरकार इल्म अमल के बगैर तो लंगड़ा हो जाता है। बात यह है मास्टर जी कि वैसे तो इल्म की बहुत सी सूरतें हैं, लेकिन सबसे अहम सूरत उस्ताद की सूरत में मुतशक्किल होती है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा और फिशार इल्म भी खूब होता है। मेरा मतलब यह है सरकार के कई बार दीनी तालीम बढ़ाने के बावजूद शागिर्द में वो औसाफ पैदा नहीं होते एक उस्ताद जिसकी तवक्को करता है या ख्वाहिश रखता है। इल्म में एक बुनियादी जौहर हर वक्त मौजूद रहता है, जहां आगही आई शऊर बढ़ा वहां तकब्बुर की पनीरी खुद बखुद नमूदार हो जाती है। साहिब इल्म को पता ही नहीं चलता और तकब्बुर की बेल उसके तने से लिपट जाती है। इल्म की रोशनी तकब्बुर के अंधेरे में तहलील हो जाती है। फिर क्या किया जाए सरकार, तकब्बुर से कैसे बचा जाए? इल्म पर ही क्या मौकूफ मास्टर जी, इंसान में कोई भी खूबी हो वो तकब्बुर का बाइस बन जाती है। दौलत, हुस्न, ईमान, दानिश। तो फिर सरकार मजबूर उस्ताद क्या करे, बच्चों में इल्म कैसे तकसीम करे? ये जानकर के तरका वारसीन में तकसीम करना है, तरके से कोई ताल्लुक ना रखे। अमानतदार पर सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि जो कुछ वो जानता है निहायत आजजी के साथ मतलूब तक पहुंचा दे, और एक लम्हे को भी इस मुगालते में मुब्तला ना हो कि वो इल्म का जानने वाला है या इल्म का आमिल है। मैं कुछ सरकार वो मैं कुछ समझा नहीं। बस मास्टर जी, आपका काम पहुंचा देना है। अगर एक लम्हा भर को भी आपको ये एतमाल हुआ कि आप इल्म का सरचश्मा है या इल्म आपकी जात से फूटा है, तो मास्टर जी उस्ताद साहब ग्रामीय कदर मुझे एतमाल है, बल्कि यकीन है कि आपके शागिर्द आपकी शौकत नफ्स से दब कर जाहिल रह जाएंगे, कोरे के कोरे। आइए प्लीज आइए। आपकी कुछ किताबें वापस करने आई हूं। किसी और के हाथ भिजवा दी होती, आपने क्यों जहमत की? आप जा रहे? जी जाना ही पड़ रहा है, और कोई चारा नहीं।
क्यों जाना पड़ रहा है? एक तो ब्रिकलेयर्स वालों को जल्दी है, दूसरा मेरी कॉन्वोकेशन भी करीब है। डॉक्टर फरासत का खत आया था कि मैं कॉन्वोकेशन मिस ना करूं, गोल्ड मेडल मिलने वाला है। आप कितने खुशनसीब हैं, आपको मुस्तकबिल में कितने इम्कानात मिलने वाले हैं। और आपको, आपको भी, आपको तो दरख्शां मुस्तकबिल मिलने वाला है। हाँ वो भी है। आप मुझसे ज्यादा खुशनसीब हैं। हाँ सुना है सिर्फ निकाह हो रहा है आपका। शादाब भाई को चाचा जी ने लिखा है, अगर वो आ गए तो शादी भी हो जाएगी। नाजो जी चलिए छोड़ें। क्यों? अगर आप खुश हैं तो ठीक है। जिस तरह एक देहाती बड़े शहर में रहने के बाद गांव में खुश नहीं रह सकता ना, उसी तरह सलमान साहब। चलिए छोड़िए, आप नहीं समझेंगे हम जाहिलों की बातें। मैं तो गांव वापस आकर बहुत खुश हूं नाजो। मुझे मालूम नहीं था कि भोली सी नाजो जो अब्बा से पढ़ने आया करती थी, इस मुद्दत में इतनी मैच्योर हो जाएगी, इतनी काबिल। ये सब सिर्फ इत्तेफाकी खुशी है। आप शहर जाके इस छोटे से शालाकोट को भूल जाएंगे, जहां हर दिन दूसरे दिन की बोरियत में घुलता रहता है, जहां कोई कॉन्वोकेशन नहीं होते, कॉलेज नहीं होते, बाजार नहीं होते, दोस्त भी नहीं होते। दोस्त तो होते हैं ना? हाँ होते तो है, जाहिल, कच्चे पक्के, अनपढ़, बेवकूफ। अब ये किताबें किसी और के हाथ भिजवा देती। क्यों, आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं ये बात नहीं है, आप जानती हैं कि। तो फिर क्या बात है? शायद वो बात मैं इतनी आसानी से कह नहीं सकता। आप ना तो आप प्लीज मुझे जाने दें। जाने दें। मैं कब आपको रोक रही हूँ सलमान? मैं आपको रोक भी कैसे सकती हूँ? जाने मुझे क्या विश करना चाहिए? मैं बताऊँ? दुआ करना मैं जल्दी मर जाऊं। चल चलिए दुनिया दे उस नुकड़े जिथे बंदा न बंद दी जात होवे, अज दिन होवे ओ पा मंजूर। हमने हवाई जहाज से सीधा लंदन ही नहीं जाना,
रात भर हमने रुकना है फ्रैंकफर्ट में। ओ फ्रैंकफर्ट का नाम तो सुना है ना पा मंजूर, फ्रैंकफर्ट। ओ बस वहां पे सारी रात रुक कर वहां से सीधे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में। तेरी तो बोली बदल गई जानन था, पक्का साहब ही बन गया यहाँ आकर। ओए अभी मुझे वापसी पे देखना पा मंजूर, जेबों में डॉलर, गुट पर कड़ी और ये वाली जेब में पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड। और चौधरी जबार ने मुझे यस सारी यस सर करते फिरना है। पा मंजूर, दाऊद ने मुझे एक तरकीब बताई है, मैंने अमेरिका जाके गायब हो जाना है। और वो क्या कहते हैं उसे, वो हाँ वो एमिग्रेशन ले लेनी है मैंने वहां जाके। पर एक बात है। और बात शायद अब कोई नहीं पा मंजूर, जब तक शाला कोर्ट में था बात और थी, और शहर आके पता चला है जितनी मेहनत करो उतनी कट्ठी करो और जितना गुड़ डालो उतना मीठा कर लो। हम शाला कोटिए तो हैं वहीं, वैमो की लगाम पकड़कर घोड़े दौड़ाते रहे। तूने मुझे पूछा नहीं कि मैं तेरे पास क्यों आया हूँ। और मैं नहीं जानता, तुझे मेरा आसरा चाहिए और तू भी चौधरी जबार का सताया हुआ आया है। अच्छा मेरी बात सुन, तू ऐसा कर कि कोई सांस सीख ले, कोई काम सीख ले। ओए इस तरह बाहर आ ले तेरा मान रख लेंगे। आ ये बात नहीं है। और यार तो फिर जल्दी बता, दाऊ नीचे बाजार में जिंदरी लेने गया, इधर वो आया और इधर हम गए। पूरे 8 बजे की फ्लैट है, हम सब ने ऑफिस में इकट्ठे होना है। बात ये है जानवंदा, कि तेरी माँ का आखिरी वीला आ गया। आज गई तो भाने कल, डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया, तेरी माँ ने स्नेहा भेजा। तेरी बेबे ने मेरे सामने हाथ जोड़ के कहा, ले काका मंजूर तू इसी वेले मेरे जानू को लेकर आ जा। मेरे कौन से 4 पुत्र, वही एक अकेला है, अपने मोटे पर रखकर कब्रिस्तान पहुंचा दे। मैं कौन से उसे सारे मेरे के लिए रोकती हूं। जिंदरी नहीं मिली पूरे बाजार में, जब भी किसी शय की लोड़ पड़ जाए ना कभी नहीं मिलती। ये ले जिंदरी पकड़। तो तू क्या करेगा? मुझे पहले ये जिंदरी तुझे दे देनी चाहिए थी, पर आदमी है ही बड़ा खुदगर्ज, किसी को मामूली सी जिंदरी नहीं दे सकता। जिंदड़ी ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर यार जान मोहम्मद, तूने कपड़े क्यों बदल लिए? और पता है ना अंजम साहब ने क्या कहा था, और किसी ने लाचे शाचे में नहीं जाना अमरीका जंगली पेंडू बनकर। बस यही तो बात है यार, और जिसने अमरीका जाना है वो पहने जीन कमीज, हम तो चले शाला कोट ढोल समेत। क्या बक रहे हो जान मोहम्मद? मैं भी सोचता था कि 7 पीढ़ी से तो नसीब बदला नहीं, अब जानो किसे क्या ख्याल आ गया। ओ होश में आओ जान मोहम्मद, उनसे कहना कि मैं गांव से जरूर वापस आऊंगा।
पता, बेबे बच्चा है और मुझे वापस आ लेने दे, क्या पता बेबे मर जाए। यार मैं उसे दफनाकर फौरन भाग आऊंगा। तो अंजुम साहब से कहना कि वो इसे किसी को ना दे, और मेरी इंतजार ही करना न्यूयॉर्क में। यार दाऊद, मैं जरूर वापस आऊंगा। उनसे कहना ये कागजात किसी को ना दे, मैं जरूर आऊंगा यार। मास्टर जी, कि तरबियत लिए बगैर आदमी तरबियत दे नहीं सकता। जो शागिर्द ना रहा हो वो उस्ताद कैसे बन सकता है? जो चेला ना हो वो गुरु कैसा? और जिसने खुद जाने हुए तलम्मुस तय ना किया हो वो मुर्शिद कैसे? मुश्किल यह है सरकार के मैं शागिर्द रहा हूँ, इसीलिए उस्ताद भी बन गया रट्टू तोते की तरह। इल्म उगल तो सकता हूँ मगर ये इल्म मेरे कल्ब पर वारिद नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं कि इल्म हिजाब अकबर है। अजीब बात है, मैं मास्टर मुस्तकीम से कहता हूँ, वो जवाब देता है कि मैं तमाम सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, दीनियात नहीं पढ़ा सकता, मेरे बस की बात नहीं। मास्टर मुस्तकीम अकलमंद आदमी है, दो और दो चार पढ़ाना आसान है, इसमें ख्याल और हकीकत एक होते हैं। अलबत्ता दीनियात पढ़ाना ज़रा मुश्किल है, इसमें पर्दा दर पर्दा हकीकत और ख्याल मौजूद और लामौजूद कई बार एक हो जाते हैं और कभी कभी नहीं होते। इंसान जबान से कुछ एतराफ करता है और उसके कल्ब पर उसकी जर्ब कुछ और पड़ती है। फिर कैसे किया जाए कतारी साहब या हजरत? जब तक कौल व फेल में तजाद है तजाद की तालीम दी जा सकेगी, जब तक जबान कुछ और कहती है और वजूद कुछ और करता है यक रुखी पैदा नहीं की जा सकती। इल्म सिखाने के लिए खुद भी तजाद से निकलना पड़ेगा, हौसला करके हिम्मत के साथ कमर बांध के। फिर तो मुझे कोई और पेशा पकड़ना चाहिए या हजरत, क्योंकि मैं तो
पसंद आई? अरे यहाँ क्या कह रहा है जमीन? जी बस मैं तो यूं ही खड़ा था। अच्छा तेरा घर बीबी नाजो की हवेली के साथ है ना? बिल्कुल जी, उनकी पिछली तरफ। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जी मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे गिरगिटों के अंडे हैं। अच्छा तुझे शौक है, क्या करेगा गिरगिट के अंडों से? जी मैंने उन्हें तोड़ना तो नहीं था, मैं तो बस देखने आया था कि गिरगिटों के अंडों में से बच्चे कैसे निकलते हैं। अच्छा एक काम कर देगा? कर दूंगा जी। पक्का वादा कर? पक्का वादा जी। अच्छा ये ले। सुन ये खत बड़ी एहतियात से नाजो बाजी को देना है, किसी और के हाथ में ना लगे। जी हाँ किसी को नहीं दूंगा जी। नाजो बाजी के हाथ में देना है और कहना है कि